हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मसाला दाल बनाने वाली हूँ मिक्स वेज दाल, और उसके साथ मैं एक गाजर, प्याज और पालक साग को लेके एक मसाला तैयार करने वाली है। शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने रहर, मसूर और मूंग तीनों दाल भिगा के रख दिया है। आधे घंटे तक मैं भिगो के रखने वाली हूँ। उसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 बारीक कटे हुए प्याज। उसके बाद कुकर रख देंगे इंडक्शन या गैस पे, उसमें सरसों तेल डालें। जो हमने प्याज काट के रखा था उसे डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 गाजर, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब गाजर को भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब गाजर और प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो उसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए पालक साग। अब पालक को भी अच्छी तरीके से गाजर और प्याज के साथ फ्राई करना है। हीट जो है सिम रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, अब जो दाल मैंने भिगा के रखा था उसे अच्छी तरीके से धो के पानी जो है उसे स्ट्रेन करके डाल देंगे कुकर में। थोड़ी देर दाल को भी फ्राई करना है, 1 से 1.5 मिनट। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, हल्दी डाला है। उसके बाद फिर से चला दूंगी। ये एक तरह से बहुत ही हेल्दी दाल है। और पानी भी अब मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा गरम मसाला। दोनों को मिक्स करके अच्छी तरीके से डाल दें और चला के कुकर अब बंद कर देंगे। दाल में अब यहाँ पे, क्योंकि हमने दाल पहले से भिगा के रखा था, तो मैं बस 2 सीटी ही लगने दे रही हूँ। 2 सीटी बहुत है। दाल बन चुका है, तो यहाँ पे अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सरसों तेल, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो थोड़ा सा हींग डाला है मैंने। हींग डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा भी जब चटक जाए तो यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च डालें काट करके। यहाँ पे मसाला दाल बनके रेडी हो चुका है।